सिटी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 17th क्वेश्चन, यूएसबी। यूएसबी क्या होती है? देखो दोस्तों, जो यूएसबी, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसमें डाटा होता है वो सीरियली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो यूएसबी का है वो यूनिवर्सल सीरियल बस है और जिसका डाटा है वो सीरियली ट्रांसफ़र होता है। वैसे कंप्यूटर में डाटा दो तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पैरेलली और सीरियली, लेकिन यूएसबी जो है वो डाटा सीरियली ट्रांसमिट करती है। यूएसबी शॉर्ट फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस केबल्स, कनेक्टर्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई बिटवीन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज। वायरस। वायरस क्या चीज़ है? इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो कि कंप्यूटर वायरस क्या है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। एक्चुअली में वो है कि कंप्यूटर वायरस अगर हमारे कंप्यूटर में आ गया तो उसको कैसे रोका जाए, या फिर अगर आ चुका है तो फिर उसकी डैमेज को किस तरह से कम किया जाए। तो अभी यहाँ देखते हैं, अ कंप्यूटर वायरस इज़ ए टाइप ऑफ मिसलेनियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मालवेयर दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड रिप्लीकेट्स इटसेल्फ बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, जब भी वो एग्जीक्यूट होता है वो क्या करता है कि वो अपने कोड के थ्रू जो विंडो की जो कंप्यूटर है हमारा, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे आगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी जो सिस्टम की फाइल होती है उसको अल्टर करने की कोशिश करता है, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन इंक्लूडेड एज वेल एज डाटा फाइल और बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। देखिए दोस्तों, जो बूट सेक्टर है, बूट क्या होता है, जब भी हमारा कंप्यूटर शुरू होता है तो उसको बोलते हैं बूटिंग, तो ये याद रखना। ठीक है, जब भी हमारा कंप्यूटर शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। अब जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डाटा फाइल है उसको करप्ट कर देते हैं, जो सेक्टर होते हैं, बूट सेक्टर होते हैं हार्ड ड्राइव के, उसको करप्ट कर देते हैं। तो वायरस एक्चुअल में है कुछ नहीं, एक प्रोग्राम है, लेकिन जब वो रन होता है तो वो अपने कोड से जो सिस्टम का कोड है उसको चेंज कर देता है। अब बारी थी सर्च इंजन की। सर्च इंजन, अ वेब सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर। ये भी एक सर्च इंजन क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पे, जो इंटरनेट पे मौजूद है, जिसमें गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ask.com एक सर्च इंजन है, MSN एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, अबाउट एक सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम मैक्सिमम आज की डेट में गूगल को ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज ए सर्च इंजन। शेयरवेयर। देखिए दोस्तों, जो शेयरवेयर है, शेयरवेयर क्या चीज़ है? देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, वो अकाउंटेंसी को रिलेटेड ही मान लेते हैं कि एक अकाउंट से रिलेटेड किसी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब वो क्या करता है कि अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको किसी को यूज़ करने के लिए दे देता है कि वो 30 दिनों तक चलेगा, उसको बोलते हैं शेयरवेयर। मीन्स वो फ्री नहीं है, लेकिन 30 दिनों तक फ्री है, 30 दिनों तक उसको यूज़ करे, उसके बाद उसको लॉक लग जाएगा अपने आप। तो इस कैटेगरी को बोला जाता है शेयरवेयर। और फ्रीवेयर होता है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको कोई भी यूज़ कर ले, तो वो होता है फ्रीवेयर, कि वो परमानेंटली फ्री है, उसका कोई कोई भी उसके चार्जेस नहीं है। अब जैसे कि अवास्त एक एंटीवायरस सिस्टम है, ठीक है, अवास्त क्या करता है कि होम एडिशन प्रोवाइड करता है। होम एडिशन में क्या है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो ट्रायल वर्जन है, पहले वो 30 दिनों का ट्रायल देता है, वो शेयरवेयर के अंडर आ जाता है, और जो होम एडिशन है वो फ्रीवेयर के अंडर आ जाता है।